हेलो गाइस वेलकम बैक टू द प्ले लिस्ट ऑफ़ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी और इस वीडियो के अंदर जो है हम हमारी फोर्थ यूनिट क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड जो भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जो है आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे टॉपिक होगा हमारा ईमेल सर्टिफिकेट और सेकंड टॉपिक होगा हमारा टी एन दैट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी अब ये दोनों टॉपिक जो है हमारी क्रिप्टोग्राफी से जुड़े हुए हैं इसीलिए इस यूनिट के अंदर जो है इनका डिस्कशन है सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन वट इज़ एन ईमेल सर्टिफिकेट तो जैसे कि नेम से पता चल रहा है ईमेल सर्टिफिकेट जो भी हम मेल्स यूज़ करते हैं चाहे वो जी हो या फिर कोई भी अल्टरनेटिव मेल एप्लीकेशन हो उसके अंदर जो है हमारा मेल सर्टिफिकेट यूज़ किया जाता है बेसिकली आपका जो ई सर्टिफिकेट है ये आपकी एक डिजिटल फाइल होती है जो कि आपके ई एप्लीकेशन के अंदर जो है इंस्टॉल की जाती है अब ये इंस्टॉल क्यों की जाती है ये जो है आपके एप्लीकेशन में इसलिए इंस्टॉल की जाती है ताकि जो ईमेल कम्युनिकेशन होता है मीन्स हम या फिर सेंडर किसी भी पर्सन को किसी भी रिसीवर को जब वो मेल सेंड करता है तो जो भी उसका डेटा है वो सिक्योरली सेंड हो इस पर्पस के लिए जो है हमारा ईमेल सर्टिफिकेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि एक डिजिटल फाइल होती है वो हमारे ई मेल एप्प्लीकेशन के अंदर जो है इंस्टॉल की जाती है टू इनेबल सिक्योर ई मेल कम्युनिकेशन अब इन सर्टिफिकेट्स को जो है मल्टीपल नेम से एब्रीवेट करते हैं मल्टीपल नेम्स से जो है प्रोनाउंस करते हैं ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स ईमेल इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट्स और या फिर एक जो कॉमन नेम इसका है वो है एस पब्लिक एम आई एम ई सर्टिफिकेट्स अब मेजरली इसको प्रोनाउंस किया जाता है एम आई एम ई सर्टिफिकेट्स के नेम से तो ये जो एम आई एम ई की मैं बात कर रहा हूँ ये हमारा स्टैंड करता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन अब यहाँ पे जो एस है वो हमारा स्टैंड करेगा सिक्योर के लिए तो यहाँ पे हम एस आई एम ई या फिर एम आई एम ई के नेम से जो है इस ईमेल सर्टिफिकेट को बार बार प्रोनाउंस करते हैं या इस वीडियो के अंदर भी जो है मैं इसी नेम से जो है सर्टिफिकेट को एब्रीवेट करूंगा जिसकी फुल फॉर्म है हमारी सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन अब ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको या फिर मैं बोल सकता हूँ यूज़र्स को जो है डिजिटली जो है एक साइन प्रोवाइड करता है जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ई सिग्नेचर के बारे में पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ा था तो ये वही डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली ईमेल कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है जिससे जो है हमारा डेटा इनक्रिप्ट होता है या जो भी कंटेंट हम ई के अंदर सेंड कर रहे हैं चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो चाहे वो नंबर फॉर्म में हो इवन जो भी हम अटैचमेंट सेंड करते हैं यानी फाइल सेंड करते हैं वो भी जो है हमारी इंक्रिप्ट होती है एंड देन के पास वो फाइल्स जो है पहुंचती है और यहीं तक नहीं साथ साथ जो है हमारा ऑथेंटिकेशन फैक्टर जो होता है कि जो हमने फाइल सेंड की है वो पर्टिकुलर रिसीवर के पास ही पहुंचे और किसी के पास ना पहुंचे इसलिए जो सेंडर टू तो रिसिपियंट का प्रोसेस होता है वो जो है हमारा ऑथेंटिकेट फैक्टर से जो है डीन करता है और इसी कारण की वजह से जो है जो हमारा सेंडर एक पर्टिकुलर मैसेज विद अटैचमेंट सेंड करता है वो रिसीवर के पास जो है विद फाइन नेम जो है डिक्रिप्टेड पहुंचता है और वहाँ पे जो है उस टाइम पे जो रिसीवर को है जैसे हमने नॉर्मल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के प्रोसेस में जब डेटा इंक्रिप्ट होता है तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए जो है प्राइवेट की की रिक्वायरमेंट होती है बट ई सर्टिफिकेट के अंदर जो हमारा डिजिटली साइंड मेल होगा यानी कि जो हमारी ई सर्टिफिकेट एक डिजिटल फाइल होगी जब यूजर या फिर जब सेंडर उस ईमेल सर्टिफिकेट वाली एप्लीकेशन के साथ अगर किसी डेटा को सेंड करता है किसी मेल को सेंड करता है तो उसके अंदर जो है रिसीवर को उस फाइल को डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो फ़ाइल ऑटोमेटिकली इंक्रिप्शन से डिक्रिप्शन प्रोसेस में चली जाती है तब उसको सेंड किया जाता है और यही जो प्रोसेस है हमारा वो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट ऑफ ई जो है हमारा चलता रहता है इसके अंदर जो हमारा ईमेल सिक्योरिटी की बात करें या हम एम आई एम ई मेल सर्टिफिकेट्स की बात करें वर्क कैसे करते हैं अब बेसिकली इसमें दो प्रोसीजर होता है पहला प्रोसीजर होता है हमारा इंक्रिप्शन से रिलेटेड कि जो भी हमारा ईमेल सिग्नेचर है या फिर ईमेल सर्टिफिकेट है उसको जो है उसके अंदर के डेटा को जो है इंक्रिप्ट किया जाता है जो कि इंटेंडेड रिसपियंट है यानी जिसके पास हम मेल सेंड करना चाहते हैं उसी के पास जाए और और कोई जो है हमारे ई मेल या फिर मेल के जो मैसेजेस है उसके जो कंटेंट है उसको ना पढ़ पाए या फिर ना एक्सेस कर पाए पहला प्रोसेस इंक्रिप्शन का और सेकेंड होता है हमारा डिजिटली साइन योर ई अब डिजिटली साइन योर ई का मतलब है कि जो हमारे रिसीवर के पास अगर कोई मैसेज कोई ई पहुंच रहा है तो वो जो है वेरीफाइड हो ना कि किसी फ़िशर के थ्रू पहुँचाओ फिशर का मतलब है यहाँ पे जो कि अटैकर है या फिर हैकर है हमें जो है क्या करना है डिजिटली साइन मेल्स का जो है यूज़ करना है जिससे हमें वेरीफ़ाई कर सके या फिर जिससे जो रिसीवर है वो वेरीफाई कर सके कि ईमेल जो है वो पर्टिकुलरली किसी पर्सन ने सेंड किया या फिर किसी फ़िशर ने सेंड किया है तो ये जो दो प्रोसेस है हमारे एम आई एम सर्टिफिकेट के अंदर यूज़ होते हैं फर्स्ट वन इज़ इंक्रिप्शन एंड द सेकेंड वन इज़ डिजिटली साइन योर ई और हमारी आज की वीडियो का सेकंड टॉपिक है टी एन एस दैट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी अब टीएनएस जो है बेसिकली ये डिज़ाइन इसलिए किया गया है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर अब ट्रांसपोर्ट लेयर का मीनिंग है यहाँ पे कम्युनिकेशन लेयर जब हम किसी भी मैसेजेस को सेंड करते हैं किसी भी डेटा को सेंड करते हैं ओवर द इंटरनेट बिटवीन द टू डिजिटल डिवाइसेस बेसिकली अगर हम दो कंप्यूटर्स के बीच में दो डिजिटल डिवाइस के बीच में अगर कोई डेटा सेंड कर रहे हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो उस टाइम की जो सिक्योरिटी है वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी है उसको जो है हमारे

थर्ड पार्टी पर्सन कोई भी टैंपर जो है हमारे मैसेजेस को ना पढ़ पाए हमारे मैसेजेस का हमारे डेटा का हमारे इंफॉर्मेशन का वो एक्सेस ना ले पाए अब जो है हमारे टी एन एस के कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहला तो है इंक्रिप्शन अब इंक्रिप्शन के बारे में पिछली दो तीन वीडियो से बात कर रहा हूँ बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है ये जो हमारी यूनिट होने वाली है ये कंप्लीटली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इन दो वर्ड पर काम करेगी और इनके अंदर प्रोसेस यूज होता है कोडिंग डिकोडिंग का जो कि मैं स्टार्ट लेमन लैंग्वेज से बहुत ईजिली आपको समझाता हुआ रहा हूं कि इंक्रिप्शन का मीनिंग है कोडिंग की आपके डेटा को कोड कर दिया जाएगा ताकि हैकर ईजिली ना समझ सके उस डेटा को एंड सेकेंड वन इज डिक्रिप्शन जिसका मतलब है कि आपके डेटा को डिकोड करना होगा ताकि जो डेटा कोड किया गया है वो डिकोड होकर आपको एक्चुअल टेक्स्ट की फॉर्म में एक्चुअल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में डेटा मिल सके तो इसके अंदर भी जो है टी एन एस के कुछ बेनिफिट्स है और फर्स्ट वन है हमारा इंक्रिप्शन जिसके अंदर सिक्योर ट्रांसमिशन होता है डेटा का यूजिंग इंक्रिप्शन बिकॉज डेटा को कोड कर दिया जाता है और इसके अंदर जो है इंटर ऑपरेबिलिटी नाम से जो है हम इस चीज को डिफाइन करते हैं और जो हमारा टी एन एस 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 एल है ये बेसिकली

एल्गोरिदम फ्लेक्सिबिलिटी एल्गोरिदम फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग है जब मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट बताए थे उसका इंट्रोडक्शन दिया था तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बहुत सारे टर्म्स यूज की थी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और हैशिंग एल्गोरिथम जिसे मैंने हैश फंक्शन के नाम से भी जो है एब्रीवेट किया था तो इन चारों एल्गोरिदम का जो है यूज़ करता है ये और इसी वजह से ये जो है एल्गोरिदम फ्लेक्सीबल होता है कि जिस भी एल्गोरिदम की उसको रिक्वायरमेंट है वो इसको ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकता है तो ये जो है हमारा टी का एक बहुत ही बड़ा मेजर एडवांटेज है कि एल्गोरिदम फ्लेक्सिबल होता है एज पर डिवाइस एज पर कन्फिग्रेशन ये जो है अपने आप एल्गोरिदम को चूज़ कर लेता है अब लास्ट इसके दो आते हैं हमारे ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट और ईज़ ऑफ यूज़ अब ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि विंडोज़ सर्वर 2003 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं जो कि मैक्सिमम पर्सन या फिर मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है ऑपरेटिंग सिस्टम तो 2003 का जो सर्वर है हमारे विंडोज़ का उसके बाद के जितने भी हमारे सर्वर्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुए हैं अपडेट हुए हैं उन सभी पे जो है ये हमारा टी का जो सिक्योरिटी टूल है सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड होता है डिप्लॉयड होने का मेन है कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंस्टॉल होता है और हमें जो है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है हमें डायरेक्टली जो अपनी सर्विसेज को यूज करना है इसीलिए जो इसके फोर्थ पैरामीटर आता है एडवांटेज का वो आता है हमारा ईज ऑफ यूज ईज ऑफ यूज का मीनिंग है हमें जो है डायरेक्टली अपने मेल सेंड करने हैं हमें किसी भी टीएलएस या फिर एस एस मेथड को नहीं पता करना ड्यूरिंग द सेंडिंग ऑफ मेल अब जब कभी भी आप किसी मेल को सेंड करते हैं किसी डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो जस्ट आप एज ए यूजर क्या करते हैं जस्ट आप टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं बट बिहाइंड द सीन वो डेटा आपका किस तरीके से सिक्योर रहता है किस तरीके से उस डेटा को हैकर एक्सेस नहीं कर सकता कैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस यूज़ यूज़ होता है कैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जब हम ई मेल को सेंड करते हैं तो ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं इन सभी को जो है कंप्लीटली इनविजिबल रखा जाता है क्लाइंट से ताकि क्लाइंट की कोई भी हेड ना हो इन सभी से रिलेटेड और क्लाइंट जो है इजिली अपने टूल्स को जो है अपने एप्लीकेशन को जो है वो यूज कर सके थैंक यू